मनुष्य का पशुओं के प्रति व्यवहार बेहतर हो इस उद्देश्य से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में पशु क्रूरता कार्यशाला का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत यह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पशु क्रूरता समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर अंशदीप, उपाध्यक्ष एसपी चुनाराम जाट के साथ ही अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यशाला में सभी को जागरूक किया गया कि पशुओं को व्यवसाय के लाभ की तरह ना लिखें, उन्हें अपनेपन की तरह लिया जाना चाहिए, जिससे कि वह भी इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। कई स्थानों पर देखा जाता है कि पशुओं को पालने के दौरान उन पर क्रूरता की जाती है और आवारा जानवरों पर भी कई अत्याचार देखने को मिले हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस लेकर आम जनता को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से आज कार्यशाला के दौरान तकनीकी सत्र में विभिन्न जानकारियां साझा की गई और किस तरह से पशु क्रूरता होने से रोका जा सके, इसे लेकर सभी को बताया गया। भारतीय संस्कृति में पशुओं को देवता के समान माना गया है, ऐसे में उनके प्रति व्यवहार भी सही होना चाहिए और इस जागरूकता के लिए आंदोलन की आवश्यकता है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें जिसका विषय था पशु क्रूरता का, किस तरीके से पशु क्रूरता के बारे में चिंता की जाए, पशु क्रूरता ना हो उसके ऊपर लोगों के बीच में जाकर लोगों के साथ लोगों में ऐसा एक लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उसके लिए कार्यशाला की गई थी। इसमें SPCA के चेयरमैन हमारे जो कलेक्टर साहब हैं अंशदीप जी, श्री अंशदीप जी वो उसमें मौजूद थे। हमारे उसमें उपाध्यक्ष हमारे SP होते हैं श्री चुनाराम जी, तो वो दोनों उसमें पधारे। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति महोदय अनिल शुक्ला जी ने की। तो कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने इस बात पे जोर दिया कि जरूरत इस बात की है कि जनमानस के बीच में जाकर जनमानस को सेंसिटाइज किया जाए, उनमें ऐसा एक जागृति लाई जाए कि जो निरीह प्राणी हैं इनका भी, इनका क्योंकि इनको कोई सुनता नहीं है, इनका ये अपनी परेशानियां बता नहीं सकते हैं, तो इनके साथ भी एक सरह हृदयता के साथ कंपेशन रखते हुए इनके लिए कुछ काम किया जाए। तो आज इस कार्यशाला में हमने तकनीकी सत्र भी रखे, जिसके अंदर मेरा लेक्चर और उसके अलावा अमर सिंह जी जो कि हमारे SPCA के मेंबर भी हैं और वाइल्ड लाइफ वार्डन भी रह चुके हैं, और उनका भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा। इसमें हमारी बीच में जो SPCA की हमारी मेंबर हैं मंजू शर्मा जी, तो उनका भी इसमें लेक्चर हुआ। उसके अलावा हमारे जो पशुपालन विभाग है जो कि SPCA का मेंबर सेक्रेटरी है प्रफुल्ल माथुर साहब, और इन सभी का इसके अंदर सहयोग प्राप्त हुआ। और साथ ही जो हमारी ADM City हैं भावना गर्ग मैम, उन्होंने भी सभी के बीच में कलेक्टर साहब की मौजूदगी में कुछ SPCA के लिए करने की अपनी मंशा दिखाई। उन्होंने कहा कि हमें इसमें बहुत अच्छे प्रयास करने हैं, सबको संगठित होकर काम करना है, जिससे कि इन ऐसी कार्यशालाओं की सार्थकता हो सके।